इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ 200 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले से, नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। बता दें कि आज राहुल गांधी हाथरस गैंगरेप पीड़िता की परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पहले से ही डीएनडी फ्लाईओवर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन जब राहुल गांधी पुलिस को गच्चा देकर वहां से निकलने की कोशिश किए और पुलिस को गच्चा देकर पैदल ही जाने लगे, जिसके बाद सक्रिय पुलिस पहले से ही राहुल गांधी को रोकने के फिराक में जगह जगह तैनात की गई थी। पुलिस ने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी हाथरस जाने की जिद पर अड़े थे। उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हाथरस जाना चाहते थे, जिसके बाद पुलिस से काफी तीखी नोकझोंक भी हुई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी और उनके 203 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। यह एफआईआर लॉकडाउन का उल्लंघन करने समेत विभिन्न धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां आज की सबसे बड़ी खबर और अहम खबर यह है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी और उनके सैकड़ों समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा नोएडा पुलिस ने दर्ज किया है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी समेत 153 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 50 अज्ञात के खिलाफ थाना इकोटक में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले से। बता दें कि आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली से रवाना हुए, जिसकी जानकारी होने के बाद पुलिस ने पहले से ही राहुल गांधी को रोकने के लिए डीएनडी फ्लाईओवर समेत पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था, जिससे राहुल गांधी हाथरस न जा सकें। जिसकी भनक लगने के बाद राहुल गांधी एक बार डीएनडी फ्लाईओवर से तो पुलिस को गच्चा देकर निकले, लेकिन आगे पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी समेत अन्य लोग पैदल जाने लगे। हालांकि पुलिस रोकने की कोशिश की, इस दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई। यह जो एफआईआर लिखा गया है, इसी नोकझोंक और आपदा अधिनियम के उल्लंघन में दर्ज हुआ है, जिसमें आईपीसी की कई सारी धाराएं लगाई गई हैं, 147, 148, 427, 323 और 354 था के अलावा 332 और आईपीसी की धारा 353 के तहत राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।